और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अशोकनगर से, जहां बिजली बिल की वसूली करने गए लाइनमैन के साथ मारपीट की गई। जी आपको बता दें, उपभोक्ता से 71,109 रुपए की वसूली करने गए थे लाइनमैन। लाइनमैन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। अशोकनगर के पठार क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अभिमन्यु पटेल और ब्रजेश पटेल के साथ हुई मारपीट, दूसरे पक्ष ने भी लगाए लाइनमैन पर आरोप। विरोध स्वरूप सभी लाइनमैन ने कोतवाली में दिया आवेदन। नाराज एमपीईवी के कर्मचारियों ने पूरे शहर में विद्युत सप्लाई बंद कर दी। अस्पताल और कोर्ट छोड़कर पूरे शहर में बिजली सप्लाई बंद की गई। बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। और इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से, जहां बिजली बिल की वसूली करने गए लाइनमैन के साथ मारपीट की गई। नाराज एमपीवी के कर्मचारियों ने पूरे शहर में विद्युत सप्लाई बंद कर दी। अस्पताल और कोर्ट छोड़कर पूरे शहर में बिजली की सप्लाई बंद की गई। और बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। विद्युत विभाग से कुछ लोग आए हमारे पास, जिसमें फरियादी ब्रजेश पटेल और अभिमन्यु पटेल, ये विभाग की तरफ से एक आर ओन रोड पर अपनी रिकवरी के लिए गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने रिकवरी मांगी थी, तो वहाँ पे इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। इस संबंध में उन्होंने एक शिकायती आवेदन पत्र दिया है, जिस पर हम लोग जो भी संबंध कर रहे हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी कितने लोगों पर प्रकरण पंजीकृत हुआ है, कोई आईडी? अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो जो भी उन्होंने आवेदन में लिखा है, जिनके खिलाफ भी वो चाहेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ पे कुछ महिलाओं के द्वारा उनको रोड पे दौड़ा दौड़ा के चप्पल से मारा गया। उनके ऊपर एक केस बना था, जिसकी बकाया 71,100 रुपए की थी, तो उसी रिकवरी के संबंध में वो लोग गए थे। तो सर, मारपीट का कोई वीडियो बन पाया क्या? मारपीट का वीडियो बना था, लेकिन जो महिला लोग थे उनका फोन छीन ली है। तो एक दूसरी चीज़ सर, उस समय कुछ समय के लिए विद्युत मंडल के सभी कर्मचारी यहाँ गए थे और शहर की लाइट भी व्यवस्था बंद कर दी थी, तो उसके पीछे क्या कारण था? क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई शिकायत सुनवाई नहीं हो रही थी? हाँ, क्योंकि जो घटना हुआ था वो बहुत शर्मसार करने वाली घटना थी। उसमें कर्मचारियों को बहुत रोष व्याप्त था, क्योंकि कर्मचारी को रोड पर चप्पल से दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। स्कूल के कर्मचारी बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त था। उसके बाद जैसे हम लोग तुरंत सप्लाई बहाल कराने के लिए कर्मचारी को वापस भेज दिए। ये आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं, विद्युत मंडल कर्मचारियों के साथ मारपीट होती है, तो क्या कर्मचारी इसको लेकर कभी कोई आगे भी अपनी शिकायत करेंगे? ऐसे में हम लोग वरिष्ठ कार्यालय को हमेशा अवगत कराते रहते हैं कि हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था करें, लेकिन उसके विशेष ध्यान नहीं दिया वरिष्ठ कार्यालय।